हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो देखिए इसमें क्या गिवन है। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसका पेरीमीटर हमें गिवन है 154। तो बच्चों सबसे पहले आपको पेरीमीटर के बारे में पता होना चाहिए कि पेरीमीटर होता क्या है किसी भी रेक्टेंगुलर फिगर का। उसके बाद उसकी लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है। तो सभी कुछ करेंगे हम इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में बेसिकली गिवन क्या है कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। पहले हम अपना एक छोटा सा रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है वो बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। अब उसका पेरीमीटर गिवन है। तो बेटा पेरीमीटर क्या होता है किसी भी फिगर का, आपने क्या करना है। जैसे इस एंड को स्टार्ट किया, यहाँ से लेकर आपने ये डिस्टेंस मेजर करना है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो भी आपका ये डिस्टेंस आएगा वो ही होता है उस फिगर का पेरीमीटर। मतलब जितनी उसकी आउटर बाउंड्री है तो उसी को ही क्या बोलते हैं हम, उसका एक पेरीमीटर बोलते हैं। डैट मीन्स इसकी हम ये लेंथ को, ये ब्रेथ मान लीजिए, चलिए ये ब्रेथ जितनी होगी वो ऐड करेंगे, फिर ये लेंथ ऐड करेंगे, फिर ये ब्रेथ ऐड करेंगे और फिर ये लेंथ ऐड करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास पेरीमीटर जो हमें 154 गिवन है। तो अब ध्यान से समझना इस चीज़ को। उसने बोला है कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2 मीटर मोर। ठीक है, मोर देन का क्या लिखा हुआ है, मोर देन, देन उसके बाद एक मोर देन वर्ड लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है ट्वाइस। ये हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब जितनी उसकी ब्रेथ है उसका ट्वाइस करेंगे, उससे 2 मोर है उसकी लेंथ। तो देखिए उसकी लेंथ गिवन है ना, तो डैट मीन्स अगर हम ब्रेथ को कुछ मान लें, उसकी लेंथ हमें किसकी हेल्प से गिवन है, ध्यान से समझना इस चीज़ को कि हमको लेंथ को एक्स मानना है या ब्रेथ को एक्स मानना है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपने गलती कर दी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो देखो उसकी जो लेंथ है वो हमें किस फॉर्म में गिवन है, ब्रेथ की हेल्प से। उसने उसकी लेंथ को ब्रेथ की हेल्प से डिफाइन किया गया है कि जितनी उसकी ब्रेथ है फिर उसका डबल कर दो, फिर उसमें 2 ऐड कर दो, तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। लेंथ इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ दी गिवन है, तो हम क्या करेंगे उसकी ब्रेथ को एक्स मानेंगे। तो इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, लेट BREADTH ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज एक्स। तो हमको ब्रेथ को मानना है, लेंथ को नहीं मानना। ठीक है, क्योंकि लेंथ हमें गिवन है किसकी, क्योंकि लेंथ किसकी हेल्प से उसने बताया है, ब्रेथ की हेल्प से उसने हमें लेंथ की इंफॉर्मेशन दी है। तो हम अगर ब्रेथ को एक्स मानेंगे तो उसकी हेल्प से हमारे पास एक्स आ जाएगा। तो देखिए ब्रेथ उसने मान ली कि उसकी स्विमिंग पूल की कितनी है, एक्स। तो दैट मीन्स यहाँ से लेकर ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी ब्रेथ हमें गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल, तो उसकी हमारे पास लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी। अब ध्यान से देखना, वो बोलता है जितनी ब्रेथ है ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो आपको क्या करना है, उस ब्रेथ का पहले ट्वाइस कर देना है। अगर ब्रेथ एक्स है तो हमने उसका ट्वाइस कर दिया, ट्वाइस 2x हो गया, एंड 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब कि जितनी ब्रेथ थी उसका ट्वाइस किया, फिर उससे भी 2 मीटर मोर है, तो डैट मीन्स 2x+2। तो ये क्या आ गई हमारे पास लेंथ आ जाएगी स्विमिंग पूल की। फिर से बता रहा हूँ उसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर मोर। 2 मीटर मोर का मतलब 2 मीटर ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जितनी ब्रेथ है आप ब्रेथ का ट्वाइस कर दें तो उससे 2 मीटर ज़्यादा है, ब्रेथ की ट्वाइस का 2 मीटर ज़्यादा है। तो ब्रेथ अगर उसकी एक्स है तो
ट्वाइस कितना होगा 2x, और नंबर जो 2 मीटर ज़्यादा होगा वो क्या होगा 2x+2। तो यहाँ से हमारे पास उसकी स्विमिंग पूल की जो ब्रेथ आगी, लेंथ आगी, वो आगी 2x, और ये भी 2x+2। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, उसका उसकी लेंथ लिख ली और ब्रेथ लिख ली। तो आगे क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है कि उसकी पेरीमीटर गिवन है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास सिंपल इक्वेशन बन जाएगी कि पेरीमीटर क्या होता है, इसकी प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ को ऐड कर देंगे, इनकी चारों साइड्स का जो सम होगा वही पेरीमीटर होगा ना। तो अब हम इन सभी को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, दैट इज़ x प्लस 2x+2, फिर से x आ जाएगा और फिर से 2x+2 आ जाएगा, और ये सभी को ऐड कर कर हमारे पास कितना आया है 154। अब बच्चों ध्यान से गलती मत करना, जो ये हमारे पास x वाले नंबर्स होते हैं ना वो हमेशा x वालों में ही ऐड होते हैं, और जो विदाउट x वाले होते हैं वो विदाउट x में ऐड होते हैं। तो यहाँ से स्टेप को ध्यान से समझना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले x है, और ये x और ये x कितना हो जाएगा हमारे पास 3x, ये 2 एज इट इज़ रह जाएगा, यहाँ पर x है यहाँ पर 2x है, तो ये भी हमारे पास कितने हो जाएंगे 3x+2=154। अब उसके बाद ये 3x और ये वाला 3x, ये 3x और ये 3x, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास 6x, और ये 2 और ये 2, ये हो जाएगा 4। तो ये आ जाएगा आपके पास 154। तो यहाँ से देखिए हमारे पास वो कंडीशन बन गई। अब इस इक्वेशन से हम क्या निकाल लेंगे, हमारी x की वैल्यू। तो देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन बन गई अब तो ये हमारी, इसको तो आपको आता है सोल्व करना। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास बन गया अब 6x+4=154। तो यहाँ से 6x=154-4, और 6x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ से 150। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 150/6। तो 3 पे कटिंग हो रही है तो हम 3 पे कटिंग कर देते हैं, 3, 5, 0, 3 और 2, और फिर से कटिंग हो रही है तो 25। तो डैट मीन्स अब की बार हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई 25। तो देखिए उसकी ब्रेथ मानी थी हमने x, तो ये ब्रेथ हमारे पास यहाँ से x आ जाएगी उसकी 25 मीटर, और उसकी लेंथ को हमने क्या माना था, ये 2x+2। तो ध्यान से देखिए, तो अब उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास 2, एक्स की कितनी वैल्यू है 25, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 25×250+2=52। तो डैट मीन्स हमारे पास इस क्वेश्चन में जो लेंथ थी हमारे, जो ब्रेथ थी हमारे पास वो आ जाएगी 25, जो उसकी लेंथ थी वो आ जाएगी 52 मीटर। तो अगला काम बच्चों आप सभी ने क्या करना है, उसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो देखिए वेरिफिकेशन करते हैं अब इसकी हम। तो बच्चों देखो हमारे पास जो एक्स हमने ब्रेथ मानी थी, तो उसकी हमारे पास जो ब्रेथ आई है वो आई है 25, और उसकी जो, ठीक है, तो एक्स की ही वैल्यू हमारे पास बेसिकली 25 आई है, जो हमने इक्वेशन से निकाली थी, दैट इज एक्स, वो वैल्यू आई है 25। अब देखिए उसकी हम लेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो लेंथ हमें कैसे गिवन थी उसकी, कि वो ट्वाइस है ब्रेथ और टू, या ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब जितनी ब्रेथ है हम उसका ट्वाइस कर देंगे और उससे 2 मीटर ज़्यादा आ जाएगी वो हमारे पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास 50+2, दैट इज 52। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि अब उसका पेरीमीटर कितना होगा 154। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर पोल था, तो ये हमारे पास 25 था, ये लेंथ 52 आ गई, ये भी 25 आ गया, ये भी कुछ 52 आ गया। अब इनको ऐड कर देते हैं, तो देखिए कितना आएगा 25+25, ये इधर ऐड हो जाएगा, और ये 52 प्लस, तो ये हो गया हमारे पास 50, ये 104। तो देखिए हमारे पास पेरीमीटर कितना आ गया उसका 154। दैट मीन्स हमारा ये क्वेश्चन है वो ठीक है।